हाय एवरीवन, दिस इज श्रीश फ्रॉम पेप कोडिंग। और आज हम लोग एरेज एंड स्ट्रिंग मॉड्यूल का एक इजी क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन। राइट, तो चलिए एक बार देखते हैं क्या है ये एग्जैक्टली क्वेश्चन और कैसे हम इसका सॉल्यूशन अचीव कर सकते हैं। ठीक है यार, तो देखो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। राइट, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? बेसिकली रियल एंड इमेजिनरी नंबर का मिक्स जो होता है वो उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, एक बार थोड़ा सा ब्रीफ अभी देख लेंगे। तो आपको ऐसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है स्ट्रिंग की फॉर्म में, नम वन एंड नम टू। आपको क्या करना है, आपको इन दोनों का प्रोडक्ट करके एक फाइनली रिजल्ट रिटर्न करना है स्ट्रिंग की फॉर्म में ही। राइट, तो चलिए देखते हैं कि क्या है होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ब्रीफ सा देखेंगे एक, एंड कैसे इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं। राइट, हाँ जी, तो ध्यान से देखिए, बेसिकली एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, वो रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस का को मिक्स करके बनाया जाता है। ठीक है, तो उसमें रियल पार्ट भी होता है एंड इमेजिनरी पार्ट भी होता है। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए प्लस आयोटा बी, जो ये आई है, दिस स्टैंड फॉर आयोटा। राइट, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, जिसमें से पहला वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ए, ये होता है रियल एक्सिस का पार्ट। राइट, एंड प्लस आयोटा बी, वेयर बी होता है इमेजिनरी एक्सिस का पार्ट। ठीक है, तो रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस को मिलकर कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। तो ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, दोनों ही एक्चुअली, ये दोनों, ए एक इंटीजर नंबर है और बी एक इंटीजर नंबर है, बट इसके साथ जो आई एसोसिएटेड है वही इसको इमेजिनरी पार्ट बना रहा है। राइट, तो ठीक है, एक्चुअली रिप्रेजेंट तो ऐसे किया जाता है, बट हमारे केस में हमने कैसे नंबर बनाया हुआ है, हम आपको नंबर देंगे कुछ इस फॉर्म में, नंबर इक्वल टू रियल प्लस इमेजिनरी। राइट, देन आई, इमेजिनरी देन आई। ठीक है, दैट मीन्स ऑफ कोर्स, मतलब ऐसा कुछ ए प्लस बी आयोटा, है ना, दोनों एक ही बात है। चलिए अब देखते हैं, मेरे पास दो नंबर है और इनका प्रोडक्ट क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर तो समझ में आ गया, अब देखते हैं इसका प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, मेरे पास नम वन है, राइट, नम वन, और एक नम टू है, ए प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी, आयोटा डी। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। चलो ठीक है, एग्जैक्टली जैसा हमें गिवन है उसी के बेस पे करते हैं, ए प्लस बी आयोटा, सी प्लस डी आयोटा। राइट, ये नम वन है और ये नम टू है, मेरे पास रिजल्ट कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखना, मुझे इन दोनों को प्रोडक्ट करना है, ए प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई सी प्लस डी आयोटा। तो नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ध्यान से देखिए, सबसे पहले ये वाला पार्ट इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, देन इससे जाके मल्टीप्लाई होगा। तो एक बार लिखते हैं, ए मल्टीप्लाई सी प्लस ए मल्टीप्लाई डी, इस आई का क्या करना है, एक आई, ठीक है, एक आई, देन नेक्स्ट। अब ध्यान से देखिए, ये बचा हुआ पार्ट बी वाला, इससे मल्टीप्लाई होगा, देन इससे मल्टीप्लाई होगा। राइट, ठीक है, चलो वो भी लिख देते हैं, तो बी मल्टीप्लाई सी, ऑफकोर्स एक आयोटा, इनफैक्ट यहाँ भी मुझे ऐसा लिखना चाहिए, मल्टीप्लाई आयोटा। ठीक है, आयोटा मल्टीप्लाई में होता है, इमेजिनरी पार्ट का आई मल्टीप्लाई में होता है, मल्टीप्लाई आई, देन प्लस बी मल्टीप्लाई डी मल्टीप्लाई आई स्क्वायर। ठीक है, तो आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर हमेशा माइनस वन के इक्वल होता है। राइट, बेसिकली इसका मतलब यह कि आयोटा इक्वल टू रूट ओवर माइनस वन। ठीक है, तो आयोटा माइनस रूट ओवर माइनस वन के इक्वल होता है, जो कि एक्चुअली वैसे हम लोग मानते नहीं है, इसको एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए हम लोग इसको इमेजिनरी मान लेते हैं। राइट, तो ध्यान से देखिए, ले देखिए किसके इक्वल हुआ, ले देखिए इक्वल हो गया ये ए सी, ए मल्टीप्लाई सी प्लस रियल रियल पार्ट, ये ध्यान से देखो आप, बी मल्टीप्लाई डी इंटू माइनस वन। ठीक है, ये इतना पार्ट हो जाएगा बी मल्टीप्लाई डी मल्टीप्लाई माइनस वन। राइट, तो ये हो गया, इनफैक्ट इस प्लस को भी मैं हटाता हूँ, यहां पे लिख दूंगा माइनस बी मल्टीप्लाई डी। ठीक है, प्लस यहां आयोटा आयोटा कॉमन, तो मैंने लिख दिया ए मल्टीप्लाई डी प्लस बी मल्टीप्लाई सी और एक इमेजिनरी। राइट, दैट मींस रिजल्ट में देखो, ध्यान से, रिजल्ट में ये हो गया रियल पार्ट, ऑफ कोर्स ये हो गया रियल पार्ट एंड ये हो गया इमेजिनरी पार्ट, है ना। ठीक है, दैट मीन्स मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, अगर मैं ए, यहां पे ध्यान से देखो, ए बी सी और डी निकाल लूं, तो मैं रिजल्ट को क्या लिख सकता हूं, रिजल्ट इक्वल टू, ध्यान से देखिए क्या लिख रहा हूं, रिजल्ट इक्वल टू मैं लिख रहा हूं ए
मल्टीप्लाई सी माइनस बी मल्टीप्लाई डी, ये रियल पार्ट, प्लस देन ए मल्टीप्लाई डी प्लस बी मल्टीप्लाई सी और एक इमेजिनरी का आयोटा, ये हो जाएगा रियल पार्ट एंड ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो बिल्कुल इजी पीजी। अब सिर्फ मुझे सोचना यह है कि मैं इस ए को कैसे निकालूं, इस बी को, इस सी को और इस डी को। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, हम लोग कौन सा दो तरीके देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। राइट, तो ये क्रैश हो चुका है, इसको मैं एक बार ओपन करता हूँ फटाफट से। जब तक ध्यान से सुना, मैं स्ट्रिंग के फंक्शंस यूज करने वाला हूँ। कौन से दो फंक्शंस? मैं स्ट्रिंग के फंक्शन यूज करने वाला हूँ इंडेक्स ऑफ फंक्शन, एंड इंडेक्स ऑफ फंक्शन के साथ साथ ही मैं इंटीजर का एक फंक्शन यूज करूंगा, सब स्ट्रिंग यूज करेंगे और इंटीजर का फंक्शन यूज करेंगे पार्सेंट। राइट, ध्यान से देखिए क्यों। तो मेरे पास एक नंबर है ऐसा, नम इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। ठीक है, तो देखो ये नंबर ऐसा भी हो सकता है, माइनस ऑफ ए प्लस माइनस ऑफ बी, ऐसा भी हो सकता है। राइट, ध्यान से, मतलब ऐसा एग्जाम्पल के तौर पे दिखाऊं तो -5 प्लस -6 आयोटा। हालांकि ये -6 होना चाहिए, -6 ए -5 -6 आयोटा, बट जैसा कि हमने बताया कि रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट एंड आयोटा, इस तरह हमने नंबर दिया हुआ है, तो ये प्लस रहेगा ही रहेगा। राइट, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। तो ध्यान से देखो कैसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। मैं कह रहा हूँ इस प्लस से पहले वाला कंटेंट अलग कर लो, इस प्लस से पहले वाला कंटेंट अलग कर लो एंड इस प्लस के बाद वाला कंटेंट अलग कर लो। तो ये हो गया -5 एंड ये हो गया -6 आयोटा। और मैं कह रहा हूँ इस लास्ट वाले आई को भी अगर आप स्प्लिट कर दो, तो आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे -5 एंड यहाँ पे -6। कैसे करेंगे ध्यान देखिएगा, बहुत सारे अपने अपने तरीके हैं। मतलब स्प्लिट लगाया जा सकता है, पहले तो एक आप स्प्लिट यूज कर सकते हो, बट हम लोग आज स्प्लिट से नहीं करेंगे। अभी हम किसे करेंगे, हम सबस्ट्रिंग का यूज करेंगे। राइट, तो मैं पहली सबस्ट्रिंग निकालूंगा, ध्यान देखिए कैसे। ए इक्वल टू, मैंने कहा कि सबस्ट्रिंग निकाल दो, ऑफ कोर्स num1 डॉट सबस्ट्रिंग। तो 0 से लेकर सिर्फ ए पार्ट के लिए, पहले पार्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट, रियल पार्ट को कैसे निकालूंगा मैं, ध्यान देखिए। 0 से लेकर num1 डॉट इंडेक्स ऑफ, num1 डॉट इंडेक्स ऑफ, राइट, इंडेक्स ऑफ ये प्लस, ये वाला प्लस कैरेक्टर, राइट, इस प्लस वाले कैरेक्टर तक का इंडेक्स, तो ये सबस्ट्रिंग स्प्लिट हो जाएगा इतना। राइट, ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये तो ए पार्ट हो गया, और बी पार्ट कैसे निकालूंगा मैं, बी पार्ट निकालूंगा सबस्ट्रिंग फ्रॉम, देखो कैसे, num1 से इंडेक्स ऑफ प्लस। देखो ध्यान से देखो, मुझे यहां से शुरुआत नहीं करनी, मुझे इससे अगले वाले से शुरुआत करनी है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, +1 से लेकर लास्ट तक नहीं जाऊंगा, लेंथ तक नहीं जाऊंगा, बिकॉज मुझे आई को नहीं कंटेन करना, सिर्फ इतनी सबस्ट्रिंग चाहिए। राइट, तो मैं क्या लिख दूंगा, num1 डॉट लेंथ -1। ऑफकोर्स अब तो बात समझ में आ गई होगी, रियल पार्ट कैसे निकलेगा, सबस्ट्रिंग फ्रॉम 0 से लेकर इंडेक्स ऑफ प्लस तक, एंड सेकंड पार्ट कैसे निकलेगा, इंडेक्स ऑफ प्लस +1 से लेकर लेंथ -1 तक, इससे आई भी स्किप हो जाएगा आपका। राइट, तो चलिए एक बार देखते हैं, बिल्कुल इजी पीजी काम रहेगा। ठीक है, तो देखो मैं यहां पे लिखता हूं, ठीक है, सो बेसिकली मेरे पास num1 कैसा है, num1 है कुछ ऐसा, ए प्लस बी आयोटा। राइट, और num2 कैसा है, num2 इक्वल टू सी प्लस डी आयोटा। राइट, और मुझे रिजल्ट क्या बनाना है, रिजल्ट बनाना है, ध्यान से देखिएगा क्या बोला हूँ, ए मल्टीप्लाई सी माइनस, इनफैक्ट यहाँ पे मैं ऐसा ब्रैकेट लगाता हूँ, ब्रैकेट ए मल्टीप्लाई सी माइनस बी मल्टीप्लाई डी। राइट, ये तो रियल पार्ट हो गया प्लस इमेजिनरी पार्ट, ध्यान से देखिए क्या होगा, बी ए मल्टीप्लाई डी, ए मल्टीप्लाई डी प्लस सी मल्टीप्लाई बी, सी मल्टीप्लाई बी। राइट, एंड देन लास्ट में एक आयोटा इमेजिनरी पार्ट। राइट, तो ये रिजल्ट होगा कुछ। चलिए एक बार फिर पहले ए बी सी डी निकाल लेते हैं। ए इक्वल टू क्या होगा, राइट, इंट ए इक्वल टू क्या होगा, इंट बी इक्वल टू क्या होगा, इंट सी इक्वल टू क्या होगा, और इंट डी इक्वल टू क्या होगा।
अगर मैंने ये चारों वैल्यू निकाल ली तब तो मेरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, राइट। ए इक्वल टू, ध्यान से क्या लिख रहा हूँ, तो मेरे पास ये स्ट्रिंग है, जैसा मैंने आपको बताया कि जीरो से लेकर राइट प्लस तक, जीरो से लेकर प्लस तक आपको सब स्ट्रिंग निकालनी है। तो नम वन डॉट सब स्ट्रिंग फ्रॉम जीरो से लेकर नम वन डॉट इंडेक्स ऑफ प्लस कैरेक्टर तक, राइट। प्लस कैरेक्टर तक एक सबस्ट्रिंग निकाल लीजिए, और जो भी ये सबस्ट्रिंग आएगी ना, इसका इंटीजर डॉट पार्स इंट, इसका इंटीजर डॉट पार्स इंट, इंटीजर डॉट पार्स इंट, राइट। ठीक है, तो बिल्कुल कुछ कुछ ऐसा ही चारों जगह पे, बस थोड़ा सा बदलेगा। यहाँ देखो ए और बी को भी यहाँ बोलूंगा नम वन, नम टू से सबस्ट्रिंग निकालनी है, जीरो से लेकर नम टू के इंडेक्स ऑफ प्लस तक, एंड बी के लिए, ये तो सी के लिए हो गया है ना, बिकॉज ये भी अपने नंबर का स्टार्टिंग है, ये भी अपने नंबर का रियल पार्ट है, तो दोनों रियल पार्ट आ गए। इमेजिनरी पार्ट में इंडेक्स नम वन वाले इंडेक्स से लेकर नम वन डॉट इंडेक्स ऑफ प्लस प्लस वन से लेकर नम वन डॉट लेंथ माइनस वन तक, राइट। तो मैं एक बारी के लिए, हाँ जी, सबस्ट्रिंग का ये पार्ट हो गया, राइट। और एक और ब्रैकेट आएगा, ठीक है, यही वाला पार्ट मैं कॉपी करता हूँ नम टू के लिए, सेम, राइट, यहाँ पे, तो नम टू में इंडेक्स ऑफ प्लस वन से लेकर नम टू की, एक सेकेंड, लेंथ माइनस वन तक, ठीक है, हाँ जी, मेरे पास आ गया। और मैं रिटर्न क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दीजिए एक स्ट्रिंग। तो कैसे स्ट्रिंग रिटर्न करूंगा, देखो ए मल्टीप्लाई सी माइनस बी मल्टीप्लाई डी, ये सॉल्व होगा पहले, देन एक प्लस का साइन, देन फिर से सॉल्व होगा ए मल्टीप्लाई डी प्लस सी मल्टीप्लाई बी प्लस एक इमेजिनरी पार्ट, ये रिटर्न कर दीजिए, राइट। तो चलिए एक बार रन करके देखते हैं। हाँ जी, डिफॉल्ट टेस्ट केस चला, सबमिट करते हैं, ठीक है। ओ, 4 out of 5 टेस्ट केस फेल हो रहे हैं, ठीक है, एक बार देखते हैं कौन सी मिस्टेक है, राइट। तो क्या क्या क्या, अगर हमने पहले नम वन से ए निकाल लिया नम वन डॉट सबस्ट्रिंग जीरो से लेकर नम वन डॉट लेंथ प्लस वन तक, ठीक है। बी निकाला नम वन से लेकर सबस्ट्रिंग नम वन डॉट इंडेक्स ऑफ प्लस वन से लेकर एंड तक, राइट, ठीक है। सी निकाला सेकेंड नंबर से नम टू डॉट सबस्ट्रिंग ऑफ नम टू इंडेक्स ऑफ, डी निकाला नम नम टू से, डी निकाला नम टू ऑफ सबस्ट्रिंग से लेकर नम टू इंडेक्स ऑफ प्लस वन से लेकर एंड से माइनस वन तक, ठीक है। हाँ जी, एक बार अभी दोबारा रन करके देखते हैं। तो हाँ जी, एक्सेप्ट, सबमिट करता हूँ, चल जाओ, करेक्ट आंसर आया, ऑसम, ठीक है यार। तो उम्मीद करता हूँ यार आपको सोल्यूशन पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस करना, सो दैट आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तब तक के लिए सीखते रहो, अपना ध्यान रखो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में, बाय बाय।